सारी सेहत अल्लाह जी नियमत आए। करना गाल मशहूर डॉक्टर जे साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर सायरा बानू जे साथ। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है सेहत जराज डॉक्टर सायरा बानू जे साथ आउ हाजिर आए जी खिदमत में। वो कि घणो लंबो टाइम थी वियो ऐं बिल्कुल स्क्रीन ते ना आई हुअसि, जंहिंजी कुझु वजूहात आहिनि। डेफिनेटली पोते जी मसरूफ़ियात बि हूंदियूं, इन्हनि जे अलावा आईंजी बि मसरूफ़ियात नारनी हूंदी न, जाइलो एतिरो टाइम ॾेई सघंदा। मगर नो डाउट सिहत ते छोकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नथो होए, इन लाइ सिहत जे मामले में पाण खे अपडेट रहे। गाहे ब गाहे पंहिंजे रिंग टोन्स में, मोबाइल में, मैसेजिस में, ने डेली बेसिस ते पाण कोविड 19 या कोरोना जे मुतालिक़ ॻाल्हियूं करूं त सुणूं त इन डेथ टोल रेट्स बि नारूं त इन सिहत याब थियण वारे मरीज़नि जी बि डिटेल्स नारूं त ने अलाह सी दुआ करूं त जल इन वबा खे जल्द से जल्द ख़तमु करे ने पाण ॿधे खे इन सी आज़ादु करे। लेकिन साथ ही साथ ई बि बहु ज़रूरी आहे जे सिहत जा ॿिया जेतिरा शोबा आहिनि या जेतिरी ॿियूं बीमारियूं आहिनि या ॿिया जेतिरा चैलेंजिस आहिनि उन खे बि पाण ज़रूरु फोकस करो। बजे से पहले तो बहु शुक्रिया अदा कर दें चाहे साहब चैनल के नारो था मेमन न्यूज़ के सब्सक्राइब करी आयो नारो था लाइक करो था ने पुते जा फीडबैक दियो था। डेफिनेटली आई जे फीडबैक सी जैसा अग्या वधून था इन्हीं हवाले से आई जा फीडबैक मीडिया व लास्ट ब्रेस्ट कैंसर के प्रोग्राम से बहु वधारे ने इन जे मुताबिक जैसा सोचिए जो कोई अड़ी चीज़ एड्रेस करूँ नेक्स्ट पुते जे सेगमेंट में जो बहु बर्निंग टॉपिक हुए। मुझे साथ अज हमेशा की तरह कोई पर्सनैलिटी मौजूद है एंड पर्सनैलिटी जो ताल्लुक उन बर्निंग इशूस ही है ने माशाला पुत की उज गाल है जात में अंजुमन इन जबरदस्त पर्सनैलिटी बहु वधारे एक्सपीरियंस्ड इन ऑनकोलॉजिस्ट इन ऑनकोलॉजी के शोबे में वो नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन साहब इन मौजूद करी चुकी है घनी जगह से कम। लेकिन बदे से वधारे आए जो इंटरैक्शन रो है या जो ताल्लुक रो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जिना हॉस्पिटल से रो है अलावा वे लीडिंग हॉस्पिटल्स में भी कम करी आयो ने कैंसर ने ऑनकोलॉजी के हवाले से आई बहु खिदमत सोशली भी ने प्रोफेशनली भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। की हो? जज़ाक अल्लाह। बहु मेहरबानी है ऐसा प्रोग्राम में आवा ने असा टाइम दीना मेमन न्यूज़ ले ने बदे से वही गाल जो अज बॉन्डिंग टॉपिक से पा गाल करने आई मेहरबानी क्या मुख्य एदा मधु करिया ने ये मामले ते जो आए टॉपिक इन पा गाल करना इंशाल्लाह आई वड़ी मेहरबानी गाय बाय गाय आई साथ भी प्रोग्राम करना रही था अगर ने जे हवाले से पब्लिक की सूरत आए तो जजाक अल्लाह आई वड़ी मेहरबानी। अकड़ो तो पहलो सवाल ही हुए जनरल सो अकड़ो नंडो सो सवाल है जो ऑनकोलॉजी करो हुए तो असल में ऑनकोलॉजिस्ट तो लिखेल हुए तो लेकिन ये ब्रीफ न थो हुए जी ऑनकोलॉजी बेसिकली करो है तो थोड़ो सो ये डिफाइन करी दियो ताकि असा निसरन वाला जो पांजा नाजरीन इन उनके भी खबर होए जो ऑनकोलॉजी करो हुए तो ऑनकोलॉजी एक्चुअली साइंस आए जो ट्यूमर के हवाले से जिनमें स्टडी होती थी तो इनमें लेबोरेटरी लेवल से भी हुई थी पची क्लिनिकल भी होती तो इनमें काफ़ी ब्रांचेस हैं। अच्छा। तो जाने मुझे तालुक है क्लिनिकल ऑनकोलॉजी से सही। तो जो असा रेडिएशन या कीमोथेरेपी वगैरह जो जो हो तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है लोकल ट्रीटमेंट हो तो सर्जरी के छड़ी जो ट्रीटमेंट हो तो वो असा करूँ था क्लिनिकल ऑनकोलॉजिस्ट। जड़े असा प्रोग्राम जड़े असा ग्रेजुएशन ने पोस्ट ग्रेजुएशन असा करिया हुआ वे बैक इन अर्ली 80s okay. तो उन वक्त ही ऑनकोलॉजी सिंपल लकड़ो ही समझ में अचो कि बस कैंसर जो है ने ऑपरेशन के बाद शुआई लगाना है ने बस इन बाद मामलो जिनके पानी जबान में तपारा भी तपारा बिल्कुल बिल्कुल तो उनो ने कीमोथेरेपी उन टाइम ते इतनी सिस्टमिक ट्रीटमेंट इतनी एडवांस ना भी मेरे ख्याल से तो वास्ट भी ना हां तो वास्ट भी ना भी बहुत सिंपल सी चंद एक प्रोटोकॉल्स वा वो यूज थी ना वा सही। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइंस तरक्की करी ने इन तरह से ही फील्ड भी ग्रो करी है घणे इनमें ब्रांचेस थी वे सही टाइम के छू ना तो हमें के ब्रांचेस के बारे में बताणो एक क्लिनिकल ऑनकोलॉजी जी भी ब्रांचेस थी वे इनमें रेडिएशन ऑनकोलॉजी अलग थी वी है मेडिकल ऑनकोलॉजी अलग थी वी है पीरियडिक ऑनकोलॉजी अलग थी वी है हाँ पची जो आई गाल करी है ब्रेस्ट कैंसर की तो दुनिया में तो हाँ ब्रेस्ट कैंसर अपनो सब्जेक्ट बनी हुआ है सही। तो अकुले के जो इंसिडेंस पूरी दुनिया में बहुत घणो आए तो इन वजह से इनके अलग अपनो ग्रुप बनाए दिए इनके ब्रेस्ट कैंसर जो अलग डिपार्टमेंट बने लाइन इन तरह से मुख्तलिफ कैंसर जो मुख्तलिफ बन था तो लेकिन इनो ग्रॉसली स्पीकिंग क्लिनिकल ऑनकोलॉजी रेडिएशन ऑनकोलॉजी मेडिकल ऑनकोलॉजी पीडियाटिक ऑनकोलॉजी ये मेजर इन ये बाद पची जो नंडी शाखू इन जो बदाय तो वो भी हने ग्रो करी रही इन साहिर गाल है पाई नारी गई हूं जब वक्त के साथ साथ कैंसर बहुत तेजी से ग्रो करी रही ने पांजे डा क्लेम ही थे तो जो ब्रेस्ट कैंसर जो सर्वाइवर बदा रही मगर पाकिस्तान में जनरली ने पांजी कम्युनिटी में पर्टिकुलरली पा नारून ते
जो ओरल कैंसर जिनके मुंह जो कैंसर चुनता है, जो पान गुटका छालिया जो पांजो ट्रेडिशन है, जो पान गुटका छालिया सुपारी बहुत खूनते पान ने पांजा यंगस्टर्स स्पेशली बच्चा छोकरा, तो डॉक्टर साहब ये बता रहे जो पान गुटका छालिया खेनु केड़ो आए ये कितरो खतरनाक है। हां जी, सवाल से पहले इन बैकग्राउंड के हवाले से बिल्कुल कि ही इन जो इंसिडेंस पांजे ते जो ओरल कैंसर जो है पूरी दुनिया में जितरो है उनसे कराची में खास कर सेकेंड नंबर ते आई ओरल कैंसर जो ने ही पूरी दुनिया में अठवें नवे नंबर ते आई। सही, तो इनसे पा अंदाजो करी सकू ता कि वजूहत करो इन। अच्छा। पूरी दुनिया में ये ओरल कैंसर के हवाले से वो लोग मैनपुरी गुटखा नहीं जो चीवेबल टोबैको या सुपारी वगैरह ना ही गिंदा, तो इनकी वजह से उनको इंसिडेंस दुनिया में ओछो आए पाजे ते इनो बता रहे है। सही, तो ही मैनपुरी ने गुटखा ने छालिया में जो इंग्रेडिएंट्स होता ना वो इनटॉक्सिक्स ने ही जो बच्चा जो इस्तेमाल करें था ना, तो ही एकड़ो फैमिली ट्रेडिशन आए चो ना ट्रेडिशन एक्चुअली ट्रेडिशन बनाए में आवियो है एक्चुअली ना हो ही। सही, शायद मुगले ज़माने में अड़ो कोई हिस्ट्री को अड़ी जाए कि इनमें पान इन्हीं खुशबू ने इस्तेमाल करना हुआ, लोग इनकी चीटिंग में छू करिया कि असा भी बादशाह बनी वा, लेकिन असल में उन्हें जो चीज़ों हुई बहुत सोफिस्टिकेटेड पची इन नीट क्लीन ने जो भी उन्होंने उन टाइम तो मुझे अंदाजो ना है, लेकिन बहरहाल वो ट्रेडिशन के ही विस्पर इफेक्ट थो है अल्टीमेटली बहुत बुरी तरह से पाँच कम्युनिटी में फैलाई हुई है। सही, ये जो पाए इंजा टारगेटेड एरियाज इन जिडाई बहुत वारे खाए में अचे थी पाई गाल कर रही हुआ कि लियारी वाले इलाके में भाई पुरानो जुबली सिन्हा वारो इलाको है जो उड़ा मारवाड़ी मारवाड़ी जो इन पाँजा पाए मेहमान खारादर नयाबाद मुसालन ही इलाके में घणो इस्तेमाल थे तो पूरी दुनिया में अगर जितरो खर्च उनमें थी ना मतलब इन के मत जो पैसों लगनो उन्होंने इनको अध से वारे इन इलाके में लगनो होना एतो इन जो है मतलब कंट्रीब्यूशन। सही, तो इन सवाल जी जी बिल्कुल जो सवाल जे मतलब वो जो ना जे पन इकतरो खतरनाक होय तो हाँ, करो थे तो की ग्रो करे तो कैंसर। हां एक्चुअली ही जो है ना ये बच्चे में जने स्टिमुलस थी थ्रिल जे तौर ते घर में अगर वडा खाई रहे तो बच्चा जुंता असा के भी कोई मना ना है वडा मना भी पजी ना कर सकना, तो पजी वो जड़े ही उम्र होती तकरीबन 12 साल या 15 साल की उम्र से गिनी ने 22 साल तक जी उम्र में ही खबर पड़ती कि ये आदत शुरू थी उन्हें थी। इनमें पाए शादी ब्याह में भी आजकल तो हमें अगर बनी हुई है ट्रे से बचनु खपे। सही, इनके साथ साथ हमें तो बड़ी नवी चीज़ भी वो अच्छी हुई है ना, शीशा ने ये चीज़ों भी और एडिशनल पैकेज जैसा अच्छी रही है, यानी वैल्यू एडिड सर्विस है एक तरह। बिल्कुल, ये भी ये ग्लैमराइज करी रखे ना, ये जो पाजे थे जिन्हें के पैसा कमाना होता ना ये लोग हर चीज के ग्लैमराइज करने बेचना चाहें था, तो पांजे बेच हूं ना गंजे के कंगी बेचन ये बहुत गलत कम करन था, इतना गलीज तरीके से ये उनके प्रमोट करन था कि लोग पेजी लथ में पहन था अपने स्टेटस सिंबल बनी न तो मुझे याद है जैसे अस मतलब जाहिर यंग एज में हुआ तो उन टाइम से ये मुझे याद है कि क्रिकेटर्स केटू जी पहाड़ी चढ़ी सिगरेट पीना हुआ। सही, तो लगनो के यार ये बेहतरीन चीज़ है सिगरेट पीने आए बहु हेल्दी ने वेल्दी थी सको था, और वसीम अकरम अगर बॉलिंग करी छो पांच छो विकेटू गिनी ने पछि केटू ते जी पहाड़ी चढ़ी ने सिगरेट पीनो है तो मारू क्रो सोचनो कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज़ होनी, तो वो स्टिमुलस भी अलहमदुल्ला दुनिया में इनते इनके अगेंस्ट कम थो ना हाँ अल्लाह शुक्र है कि ये कंट्रोल थो ये वो कम अज़ कम एड खत्म थी वे, तो इनसे अगली चीज़ साबित थे थी कि अगर गवर्नमेंट या कर्ता धर्ता या वडा पाए कम्युनिटी में जो वडी नहीं इन्हें पा अगर सोचे वडा घर जा वडा इन्हें सोचन के ना पा किन के कंट्रोल कर जो तो ये बदे थी सके तो लेकिन जरा ये जो सिगरेट के एडवर्टीजमेंट बंद थी ना अलहमदुल्ला एतरो कंट्रोल थो है इनके बावजूद लोग चुनता के इनकी जो सेल है वधी है, लेकिन मुझे ख्याल है वो रिलेटिवली वधी हुई एब्सोल्यूट नहीं वधी हुई मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। हालांकि डब्बे से भी काफी डेंजरस सी तस्वीरों लगाई ना मीन ये भी बदे थे तो इनते तो लतीफ को बहुत मशहूर है तो वो घना लतीफा है इनते तो मतलब बहरहाल ये बहुत खौफनाक चीज है, हर चीज के लाइट वो गनु ते ना ये जी नारंगी सी जी है जो सीरियस है, अगर कोई के नानु है जो कैंसर पेशेंट के हाल में पुजन था तो आए अकड़ो विजिट जे ना जे ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट जो करी गनो डाउनी ने नारो जे जिन तरीके सी एड़ी रगड़ी रगड़ी ने जी जान निकली रही हुई थी जो आए ने शायद पा नारी नहीं सकू
लेकिन ये बदे शुरुआत जो थी थी अगर शुरुआत से कंट्रोल कर जे तो थी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता रहे कितनी स्टेज ते अची नेड़ो थे जो पा समझू जे अगर बच्चों अगर पांजो खुदा ना खास्ता इन लत में पई भी हुए तो पा इनके छड़ाइल ले करी ने उनू तो कैंसर सी बची उनू एज अर्ली एज पॉसिबल तो आए लेकिन पछी भी क्रो स्टेज ते अची ने पेरेंट्स जी अखी खुली खपे। बिल्कुल ये तो पहले डी से इनके तो बचाओ खपे कि अगर कोई बच्चा शू करन था सिगरेट आए या च्यूएबल कोई भी तंबाकू आए या छाली आइन ये बदे इरिटेंट इन केमिकली भी न फिजिकल इरिटेंट भी इन तो इन्हें जड़े महसूस करने के इशू करी रहा इन या ये इन्हें ये सोहबत अड़ी आए तो उस सोहबत जो इन्हें ब्याह दोस्त के भी बचाए हुए तो उन्हीं के बचाए सको तो ठीक है लेकिन पाँचे बच्चे के तो पहले बचाए ना वाई लेके पाए जो हुई थी पाँजी खिदमत चैरिटी पाँटी से शुरू थी ना हाँ। तो पाँच बच्चे के तो जरूर बचा जाए बाकी बेके भी बचा जाए तो उनमें यह है कि बच्चे के बिल्कुल इनके बता जे कि ये इन जो नुकसान को रही और अक्सर अवेयरनेस जो प्रोग्राम में जो बना तो ना फोटोग्राफ भी नहीं बना तो दिखा रहा तो कि ही हालात हूँ तो पाँजे ते जो प्रॉब्लम आए वे शहर में भी ना मिके वे शहर में भी अगड़े जामशोरों में भी कम करने मौको मिलो है लाहौर में भी करूँ या शौकत खानम में नहीं कराची में भी तकरीबन बारह चौदह वर्ष एडा भी हाँ तो अकड़ी बहुत वो डिफरेंस आए ये जो पैटर्न ऑफ डिजीज है ना इनको बहुत वो डिफरेंस आए कि अगर अगर पाए एडा गाँव के अंदर त्रीजो ने चौथो स्टेज में 70-80% लोग अचन था तो ये वे शहर में ये इंसिडेंस कम है अगर गाँव में जो त्रीजे चौथे स्टेज तक पुजन था ना वे शहर में इंसिडेंट की कम है गाल करने है ब्रेक के बाद केडा माउन जा सा साथ है जा प्रोग्राम है सेहत जराज डॉक्टर सायरा बानो के साथ सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है करना गाल मशहूर डॉक्टर के साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर सायरा बानू के साथ।